हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी बाय स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हम क्या करते थे, पेनिट्रेट करते थे और उसके अंदर ये देख रहे थे कि 300 mm पेनिट्रेशन में कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे हो रहे थे। वो नंबर ऑफ ब्लोज को हम एन वैल्यूज से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जब आप अल्टीमेट लोड बेयरिंग टेस्ट की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हमें कैसे हेल्प करता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए चलिए हम बात करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एन जो है हमारा, एन जो है वो है आपकी करेक्टेड एसपीटी नंबर। क्या है वो? करेक्टेड एसपीटी नंबर है। मैं लिख दे रहा हूं करेक्टेड एसपीटी नंबर, ठीक है। और ये मैं मानता हूं एन बार, एक चीज और मानता हूं मैं एन बार हम क्या ले रहे हैं, आपका एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, काहे की एवरेज करेक्टेड एसपीटी नंबर, ठीक है ना, एवरेज करेक्टेड एसपीटी नंबर ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल, ठीक है। जबकि एन की हम बात कर रहे तो वो क्या है, बिलो द बेस ऑफ पाइल में हम क्या ले रहे थे, इसकी एन की वैल्यू ले रहे थे। इन चीजों को हमने कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। अगर मैं बात करूं कि ड्रिवन या फिर डिस्प्लेसमेंट पाइल के अंदर आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एज पर मेयर ऑफ, अच्छा देखिए हम यहां पे मेयर ऑफ की थ्योरी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मेयर ऑफ ही क्यों, तो आपके पास बहुत सारी थ्योरी है, है ना, बट मेयर ऑफ के जो वैल्यू आती है वो थोड़ी सी करेक्ट आती है, इस कारण से हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रिवन पाइल के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट पाइल के लिए जब आप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हो एज पर मेयर ऑफ थ्योरी, तो वो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, क्यू यू पी, मतलब कि आपकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 400 इंटू एन इंटू ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बेस एरिया, प्लस 2 n bar as, ये क्या निकाल के आ जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी काय में होगी, यूनिट इसकी किलो न्यूटन के अंदर होगी, ठीक है, वेयर ए बी एंड ए एस इज व्हाट, वेस एंड साइड एरिया इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई बात डिस्प्लेसमेंट की, है ना, डिस्प्लेसमेंट या फिर ड्रिवन पाइल की। अगर मैं नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल की बात करूं तो वहां पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, तो वहां पे मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू यू पी इज इक्वल टू, हम अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड बेयरिंग, ठीक है, और जो स्किन फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी वैल्यू पता चली है क्यू यू बी क्या होगी, 400 dot n dot ab प्लस जो भी वैल्यू ये है आपकी, ठीक है, उसका ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 n bar 2 as, ठीक है। अगर हम बात करें आगे बोर्ड पाइल्स की, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड पाइल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर, अभी तो हम ड्रिवन की बात कर रहे थे, बोर्ड पाइल की अब हम बात करने लगे, अभी तक हम ड्रिवन पाइल की बात कर रहे थे, अब हम बोर्ड पाइल की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्यू यू पी क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाता है ड्रिवन पाइल के क्यू यू पी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या हो जाएगा, 1/3 400 dot n dot ab प्लस 2 n bar as, दैट इज द क्यू यू पी फॉर बोर्ड पाइल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।